हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चटपटा आलू शिमला मिर्च की सब्जी। इस तरह से बनाएंगे तो रोटी राइस के साथ में बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 कलर के 3 कैप्सिकम ले लिया है, 1 टमाटर ले लिया है और 4 मीडियम साइज के आलू ले लिया है। कैप्सिकम को बीच में से काटने के बाद इसके अंदर का जो फूल है इसे हमें फेंक देना है और इसे हमें इस तरह से छोटा छोटा करके काट लेना है। मैंने यहाँ पर 3 कलर के कैप्सिकम लिया है। आपके पास नहीं है तो आप 1 कलर की भी बना सकते हैं, जैसा आपको मिले। तो इसी तरह हमें सारे कैप्सिकम को काट लेना है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, देखने में बहुत अच्छा लगता है जब इसका सब्जी बनाएंगे। और आलू को भी हमें इस तरह से काट लेना है। 1 आलू से मैंने 8 पीस किया है। अब हम टमाटर को काट लेंगे। टमाटर को भी थोड़ा क्यूब में काटेंगे, थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके काटेंगे इस तरह से। टमाटर को भी हमने काट लिया है। अब हम इसे साइड कर देंगे और अच्छे से धो लेंगे। धो के पानी को अच्छे से छान लेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। एक कढ़ाई ले लिया है। पहले हम कढ़ाई को अच्छे से गर्म करेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच मस्टर्ड ऑयल, राई का तेल, छोटा 1 चम्मच जीरा डालेंगे, थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे। अजवाइन डालने से बहुत जल्दी हजम हो जाते हैं। थोड़ी सी हींग डालेंगे, मिला लेंगे इसे अच्छे तरह। जलाएंगे नहीं, बस जीरा को फूल जाने देना है। 1 चम्मच कटी हुई लहसुन ऐड करेंगे। 1 चम्मच भर के हमने चॉप लहसुन डाला है। लहसुन को थोड़ी देर भून लेना है। फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के अदरक। अदरक को भी मैंने छोटा छोटा करके काट लिया है। अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि ना अदरक का कच्चापन चले जाए। अच्छी तरह अदरक और लहसुन को भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। यहाँ पर मैंने 1 बड़े साइज के प्याज को छोटा छोटा करके काट लिया है। सारे प्याज को डाल देना है और प्याज को हमें 2 मिनट तक फ्राई करनी है। प्याज को बहुत ज़्यादा हम फ्राई नहीं करेंगे। 2 मिनट हमने इसे भून लिया है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई हरी मिर्च। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच हरी मिर्च डाल दिया है। हालांकि तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हो। अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें आलू डाल देंगे और आलू को भी प्याज के साथ में अच्छी तरह मिला लेंगे। अच्छी तरह मिला लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और छोटा 1 चम्मच नमक डालेंगे। हल्दी डालने से कलर अच्छा आएगा और नमक डालने से आलू थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। अच्छी तरह इसे मिला लिया है हमने। इसके बाद गैस को हम लो मीडियम फ्लेम कर देंगे और इसे ढक के 5-6 मिनट पकने देंगे। तब तक मसाला देख लेते हैं। 1 प्लेट में लेंगे छोटा 1 चम्मच धनिया पाउडर, छोटा 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, छोटा 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, छोटा 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, छोटा 1/2 चम्मच आमचूर का पाउडर, छोटा 1/2 चम्मच भुनी हुई जीरा पाउडर, छोटा 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। अगर सब्जी पाउडर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। अच्छे से इसे मिला के साइड कर देंगे। आलू को एक बार चेक करेंगे तो 5-6 मिनट के बाद ढक्कन को हटाएंगे और देखिए आलू हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। प्याज भी अच्छे से फ्राई हो गया है। आलू को अगर प्याज के साथ में आप फ्राई करते हो तो इसका जो टेस्ट है वो आलू के अंदर तक चले जाते हैं। अब हम इसमें शिमला मिर्च को डाल देंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। साथ ही हम यहाँ पर टमाटर को भी डाल देंगे। टमाटर को भी हमने क्यूब में काटा है। छोटा 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। याद रखें हम पहले भी नमक ऐड कर चुके हैं। अब हम गैस को हाई फ्लेम कर देंगे और इसे 2 मिनट तक हाई फ्लेम में अच्छे से भूनेंगे। हाई फ्लेम में इसे हमने 2 मिनट तक भून लिया है। अब हम गैस को कम कर देंगे और मसाला ऐड करेंगे। जो मसाला हमने लिया था सारे मसाला हमें डाल देना है और मसाला को भी सब्जी के साथ में अच्छी तरह मिला लेना है। फ्रेंड्स, अभी तक अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। और अगर इस रेसिपी को आप फेसबुक पर देख रहे हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।
अब हम गैस को कम कर देंगे और इसे ढक के थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। थोड़ी देर के बाद ढक्कन को हटाएंगे और एक बार फिर से इसे हमें मिला लेना है अच्छी तरह। देखिए सब्जी हमारा बहुत सॉफ्ट हो गया है, बहुत कम भी हो गया है। अभी तक ये पूरी तरह पकी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, साइड में से 2 चम्मच पानी ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा पानी ऐड ना करें, फिर सब्जी में टेस्ट नहीं आएगा। तो साइड में से थोड़ी सी पानी, जैसे कि 2 चम्मच पानी साइड साइड में से दे दे। इस तरह से पानी डालने के बाद सब्जी को मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, गैस को लो मीडियम फ्लेम कर देंगे और इसे ढक के 5-7 मिनट और पकने देंगे। 5-7 मिनट के बाद ढक्कन को हटाएंगे। अब हम इसमें धनिया पत्ता ऐड करेंगे। आपको अगर धनिया पत्ता पसंद है तो धनिया पत्ता ऐड कर दे। धनिया पत्ता डालने के बाद इसे एक बार मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम इसे थोड़ा गीला गीला ही रखेंगे, बाद में ये थोड़ा सूख जाएगा और ये रोटी राइस के साथ में ना बहुत अच्छा लगता है। सब्जी बनके तैयार हो गया है। ऊपर से थोड़ी सी धनिया पत्ता डाल देंगे। और हाँ, आपको अगर कसूरी मेथी पसंद है या घर पर है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये रहा हमारा जबरदस्त टेस्टी आलू शिमला मिर्च की सब्जी। फ्रेंड्स, सच में एक बार इस तरह से बनाकर खा के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा ये। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ। बाय बाय।